ऑल राइट, तो ये सब था अबाउट द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो मार्शल ने बताई थी, जिसमें हम यूटिलिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो पूरी ये जो एनालिसिस थी ये इसी के ऊपर जुटी हुई थी कि यूटिलिटी को क्वांटिफाई किया जा सकता है, हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एक आइसक्रीम पे 15 यूटिल्स मिलती है यूटिलिटी, एक चॉकलेट पे 20 मिलती है, ऐसे बता सकते हैं. इससे हटके एनालिसिस है हिक्स एंड एलन का, जिसे कहते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. इसका सबसे मेन पॉइंट क्या है, हिक्स और एलन बोलते हैं कि ये चीज़ एक्चुअली सही नहीं है. आप ठीक से ये नहीं बता सकते कि आइसक्रीम पे यूटिलिटी मिलती है 15 की और चॉकलेट पे मिलती है 20 की, ये आप नहीं बता सकते ठीक से, क्योंकि यूटिल्स क्या है वो ठीक से पता ही नहीं है किसी को, ये एक आर्बिट्ररी यूनिट है. लेकिन आप ये श्योरली हर आदमी बता सकता है उसको आइसक्रीम पसंद है या फिर चॉकलेट या दोनों, है ना. तो हर आदमी, उसने क्या कहा कि आदमी क्या कर सकता है, रैंक कर सकता है. रैंक, एवरी पर्सन कैन रैंक द गुड्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. ओके, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बट इट कैन बी ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस. ओके, एंड फ्रॉम दिस इज बॉर्न द एनालिसिस ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स. इनडिफरेंस कर्व्स मतलब हम एक ऐसा कर्व निकालेंगे जिसमें अलग अलग गुड्स होंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी दो गुड्स यूज स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, लेट से दोज गुड्स आर कोक एंड पेप्सी. ओके, तो उसने कहा कि हिक्स एंड एलन ने कहा कि हम गुड्स को रैंक कर सकते हैं. रैंक कर सकते हैं मतलब आप बता सकते हो कि सपोज करो आप स्टार्ट करते हो 20 कोक और 0 चॉकलेट से. ओके, यू स्टार्ट विथ 20 कोक बॉटल्स एंड 0 चॉकलेट. ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, आपको ये कॉम्बिनेशन पसंद है या आपको पसंद है 18 कोक बॉटल एंड 1 चॉकलेट, कौन सा ज़्यादा पसंद है, 20 कोक 0 चॉकलेट या 18 कोक 1 चॉकलेट. तो मेरे को 18 कोक और 1 चॉकलेट बेटर है, क्योंकि इतना कोक का क्या करूँगी, तो 18 कोक 1 चॉकलेट बेटर देन 20 0. ओके, नेक्स्ट, अच्छा तुमको 18 कोक 1 चॉकलेट पसंद है या तुमको चाहिए 16 कोक 2 चॉकलेट्स. 16 कोक 2 चॉकलेट इज बेटर फॉर मी, चलो ये भी समझ में आ गया. फिर कहा कि अच्छा व्हाट अबाउट 16 कोक 2 चॉकलेट्स एंड 15 कोक 4 चॉकलेट्स, सॉरी हाउ अबाउट 10 कोक 4 चॉकलेट्स और 16 कोक एंड 2 चॉकलेट्स. So I said, नहीं, 10 कोक एंड 4 चॉकलेट्स इज बेटर देन 16 कोक एंड 2 चॉकलेट्स. तो ठीक है भाई, मतलब मेरे को 10 चॉकलेट्स, 10 कोक एंड 4 चॉकलेट्स इज बेटर. फिर उसने कहा अच्छा अब बताओ 8 कोक्स एंड 6 चॉकलेट्स या फिर 10 कोक्स 4 चॉकलेट्स. तो मैंने कहा सेम है, 8 कोक 6 चॉकलेट्स या फिर 10 कोक 4 चॉकलेट्स एक बराबर है मेरे लिए. तो दिस इज इनडिफरेंट. इनडिफरेंट भी हो सकता है, अच्छा बुरा या सेम. तो ये सेम है मेरे लिए, 10 कोक 4 चॉकलेट या 8 कोक 6 चॉकलेट सेम है दोनों मेरे लिए. अच्छा सेम है. उसके बाद और 1 कोक 4 चॉकलेट या फिर 8 कोक 6 चॉकलेट. नहीं 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 नहीं, 8 कोक 6 चॉकलेट बेटर है 1 कोक 4 चॉकलेट से. मुझे 1 कोक 8 चॉकलेट से, मुझे एक चॉकलेट इतनी पसंद नहीं है, ज़्यादा कोक पसंद है. ओके, तो वो उससे बेटर हो गई. तो ऐसे हम हर बंडल को रैंक कर सकते हैं, हर अलग अलग जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो उन दो गुड्स की. तो याद रखिएगा, दिस इज़ अ टू गुड वर्ल्ड, ये नई दुनिया है जिसमें सिर्फ दो गुड्स हैं, उनके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. तो उन बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में से हम उसको रैंक कर सकते हैं, ये अच्छा कि ये अच्छा, ये अच्छा कि ये अच्छा, ये अच्छा कि ये अच्छा. सेम, ये सेम लगा इसी इसी से, ये सेम लगा इसी से, ये बेटर लगा, ये खराब लगा, ये सेम लगा, ये हम निकाल सकते हैं. उससे हम पहले बनाएंगे
एक इनडिफरेंस कर्व्स. इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? इनडिफरेंस कर्व होता है कि उन सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन जो मेरे लिए सेम है, इसीलिए उसका नाम है इनडिफरेंस कर्व. सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन जो मेरे लिए सेम है, राइट. जैसे कि मैंने कहा मुझे 8 कोक 6 चॉकलेट, या फिर भूल भी गई मैं, 10 कोक 4 चॉकलेट मेरे लिए बराबर है ना. तो इसीलिए वो दोनों पॉइंट्स इनडिफरेंस के हैं. तो ऐसे और भी पॉइंट्स होंगे इनडिफरेंस के, उन सबको निकाल कर उनको एक ही लाइन में जोड़ देने का नाम है इनडिफरेंस कर्व. देखते हैं ये कैसे होता है. सो सपोज करो दो गुड्स हैं ए एंड बी, ओके. दो गुड्स हैं ए एंड बी, दोनों के यहां पर अलग अलग, दोनों का प्राइस अलग है. ए का प्राइस है 1.5, बी का प्राइस है 1, ठीक है. मुझसे पूछा गया मेरे इनडिफरेंस कॉम्बिनेशंस, तो मैंने क्या बोला कि भाई कॉम्बिनेशन जे जो है उसमें मेरे पास अगर 12 यूनिट्स ऑफ ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ बी है, इसको को बोलते हैं कॉम्बिनेशन जे. कॉम्बिनेशन जे इज द सेम एज कॉम्बिनेशन के, जिसमें मेरे पास ए के तो 6 यूनिट है और बी के 4 यूनिट है, दोनों एक बराबर है. दिस इज द सेम एज कॉम्बिनेशन एल, जहां पे मेरे पास 4 यूनिट ए के हैं और 6 यूनिट बी के हैं. उल्टा कर दिया, सेम हूं मैं, लेकिन मेरे मन में दोनों सेम बराबर है. एंड एम, जिसमें मेरे पास 3 यूनिट है ए के और 8 यूनिट है बी के, ये सब मेरे लिए एक बराबर है. अगर हम यूटिल्स के बारे के हिसाब से समझे, सबका यूटिल्स सेम है, सबकी यूटिलिटी सेम है. मुझे कोई भी दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ले लूंगी. 3 का ए, बी का 8, या फिर 12 ए के 2 बी के, कोई भी ले लूंगी, एक ही बराबर है मेरे लिए. हाँ, तो इसीलिए ये जो सारे बंडल्स हो गए, ये बंडल्स लाए करेंगे एक ही इंडिफरेंस कर्व पर, जो है ये इंडिफरेंस कर्व आईसी. इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व IC1. ये है इंडिफरेंस कर्व 1. ये सारे जे के एल एम बंडल्स, बंडल्स माने कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी, ये सारे मेरे लिए एक बराबर है, इसीलिए ये एक आईसी पर है. अगर मेरे पास, तो ये एक आईसी बन गई. अब इसका फायदा क्या हुआ? आईसी से राइट इज बेटर ऑफ. मतलब अगर मेरे पास इन बंडल से ज्यादा कुछ है, कोई पॉइंट है भाई, यहां पर मेरे पास 6 तो ए का है और 20 बी का है, वो बंडल यहां पर पहुंच गया, वो हमेशा इससे बेटर है, इस आईसी से बेटर है, और ये है वर्स ऑफ. तो उससे हम हर एक गुड को कंपेयर कर सकते हैं हर एक दूसरे गुड से. कैसे कंपेयर किया? कुछ भी टू द राइट इज बेटर, कुछ भी टू द लेफ्ट इज वर्स, एवरीथिंग ऑन दिस लाइन इज इनडिफरेंट. इसे कहते हैं इनडिफरेंस कर्व्स एनालिसिस, और ये है बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट इनडिफरेंस कर्व्स का. एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन दिस कर्व, एवरी बंडल ऑफ एक्स एंड वाई इज इनडिफरेंट टू वन अनदर, एक दूसरे से इनडिफरेंट से बनता है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. इससे ज्यादा होगा तो बेटर है, इससे कम होगा तो वर्स है, ओके. तो ये है इनडिफरेंस कर्व्स, और इनकी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक फटाफट देख लेते हैं. इसमें प्रेफरेंसेस ऑब्वियसली चेंज नहीं होनी चाहिए, फिक्स्ड रहनी चाहिए. ये नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व आती हैं, क्योंकि एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा तो ही तो मैं सेम प्रेफरेंस पे रहूंगी, सेम यूटिलिटी पे रहूंगी. हर एक इनडिफरेंस कर्व एक यूटिलिटी लेवल के लिए बनता है. तो U1 के लिए एक कर्व हुआ, राइट. तो इसीलिए हमेशा ये नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं, एक को घटाओ दूसरे को इंक्रीज करो. अगर दोनों को इंक्रीज करोगे तो यूटिलिटी बढ़ जाएगी. यूटिलिटी बढ़ानी नहीं है, एक जैसी रखनी है. इसीलिए इनडिफरेंस कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं, ताकि यूटिलिटी एक जैसी रहे.
जितनी आगे जाओगे उतनी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी. इंडिफरेंस कर्व एक नहीं होता, उसका एक मैप होता है, जैसे कि ये मैंने इन सब का एक आईसी बनाया, पर उसके आगे जो गुड्स है उनका भी एक आईसी बन सकता है, उनके आगे के गुड्स का भी एक आईसी बन सकता है. ऐसी जितने भी गुड्स हैं सबको मिलाकर कोई ना कोई किसी ना किसी आईसी का पार्ट वो बन सकते हैं. तो आईसीज बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड आईसीज होते हैं. ओके, तो इसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व मैप. तो जितनी आगे आईसी होता है, हायर इज द आईसी, हायर इज द यूटिलिटी. ओके, इनडिफरेंस कर्व्स कॉन्वेक्स होती है, उनकी शेप जो होती है कॉन्वेक्स की होती है. इनडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. इसका ये मतलब है अगर एक आईसी हुआ सी और बी, ठीक है, सी और बी एक आईसी है, मतलब दोनों का सेम यूटिलिटी है. फिर एक दूसरी आईसी हुई ए और बी आईसी है, मतलब उसकी भी सेम यूटिलिटी हुई. तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि सी और बी अगर एक यूटिलिटी है तो ए तो उसके पीछे है, तो ए तो वर्स्ट ऑफ होना चाहिए. अब मैंने ए और बी को भी एक ही यूटिलिटी पे बिठा दिया, मतलब मैं बोल रही हूँ सी और बी भी सेम है, ए और बी भी सेम है, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि ए और सी भी सेम है. तो ये तो सब गड़बड़ हो गया ना. तो इसीलिए आईसीज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, आईसीज कैन नेवर इंटरसेक्ट. ओके, और स्लोप ऑफ जो आईसी होता है उसको कहते हैं एमआरएस, जिस पे हम अभी आएंगे.